अभी ठीक करानी है, अलाइनमेंट करानी है, ऊपर लगा दूँ। तो आज फुल पैम्परिंग डे है भैया, लग गए हैं ये अपने काम पे। एंड अभी गाड़ी खुद ही धोई है मैंने, धूप में देख रहा हूँ। क्या प्यारी लगती है आज स्विफ्ट का वाइट कलर, क्या प्यारा लगता है। और हाँ, ये जो पीट पीस नहीं है यहाँ पे, किसी बंदे ने अपनी डोनेशन दी थी तो उसको रिपेयर करवाया था, इसलिए नहीं है। उसके निशान यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, तो इसलिए नहीं है। बाकी इसको भी कराएंगा ठीक में। लो जी, भैया जी ने खर्चा भी बता दिया, कील लगे हुए हैं। तभी सोचू हवा क्या निकल रही है इसकी, इस पे ना इसका पंचर लगा के कैप भी लगा देना सब पे, जिस पे कैप ना लगाओ। यहाँ पे इनकी मशीन लगी हुई है और ये टायर घूमना शुरू। 3520 पहले भी इतने के ही लगे हुए थे, पहले कौन कौन से लगे हुए थे, 50 के पहले, 50 के लगे हुए थे। सही है, काम करवाते हैं और चलते हैं। एक दो तीन और चौथा लग रहा है। देखो भाई, जितने भी नए बंदे काम देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, मेरी भी वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं करवाने की या पहली बार ही कराएंगे, तो देख लो ये मेरे पीछे वाले टायर है। भला जब खुल आई थी गाड़ी यहाँ पे तो ये जो टायर है पीछे लगा हुआ था, पीछे वाला टायर आगे लगा हुआ था। तो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली यूजेज का क्या होता है। यूजेज होती है कि ये एज अ स्ट्रेट लाइन में चलते हैं पीछे वाले टायर तो एक कम घिसेंगे, बहुत ही कम, यानी ये डायरेक्शन देते हैं इसलिए ज़्यादा घिसते हैं। इसीलिए ये पीछे वाले टायर पंचर भी ज़्यादा हुआ है, मतलब ये दोनों पीछे वाले टायर ही है और ये ज़्यादा पंचर हुआ टायर। ये तीन, ये एक या दो है, दोनों मतलब दोनों मिला के चार पंचर निकले टोटल गाड़ी में, दो टायरों में। तो इनको हमेशा चेंज करा लो ताकि बराबर घिसे टायर और आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी सही बनी रहे। अब इस टाइम जब नेक्स्ट टाइम कराऊँगा तो घुंगरू चार हो जाए फोकस। एक दो तीन, मशीन चेक कर ली है तो भाई कर रहे हैं स्टीयरिंग की कैलिब्रेशन। वहाँ पे भी देखो मशीन शो कर रही है, यहाँ पे यहाँ से भैया स्टीयरिंग यूज कर रहे हैं, यहाँ से कैलिब्रेट कर रही है। ये कैलिब्रेट कर रहे हो ना इसको, अब ये कर देंगे मेरे ख्याल से स्टीयरिंग को लॉक। हाँ, स्टीयरिंग लॉक कर देंगे यहाँ से।
ऐसा सा रिपोर्ट कार्ड आया है इसका, सारे पॉजिटिव में है, बस ये जो है ना ये हाँ ये नेगेटिव में आया बस एक, बाकी सारे पॉजिटिव में आया है, सो बी पॉजिटिव। तो काम हो गया कंप्लीट, अपना टोकन तो ये आ गई हमारी कोल को भाई, हमारी गाड़ी की आ गई रिपोर्ट कार्ड। आपको तो समझ नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रही, बस ये है कि थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ भाग रही थी जो नेगेटिव में आया था, मतलब जो मैंने आपको अभी स्क्रीन दिखाई थी जो ग्रीन रेड हो रही थी, तो हमेशा सारे ग्रीन होने चाहिए लेकिन एक रेड था, तो हाँ मतलब वर्थ है अलाइनमेंट कराना, तो सही टाइम पे करा ली। चलते हैं देखते हैं गाड़ी का, बहुत गर्मी है, बाइक का देखते हैं क्या काम कराना है, आज करा तो कल करा तो मुझे नहीं पता कभी भी, पर हाँ सैनिटाइज कर लिया गाड़ी मैंने पूरी बैठने से पहले, उसके बाद क्या करना, चलो चलाने में फ़र्क पूछोगे मुझसे, अभी निकला भी नहीं दुकान के बाहर से, ये दुकान है पीछे, अभी सिर्फ बैक करी है और स्टेयरिंग घुमाया है, और उतने में ही मेरे को फ़र्क पता लग गया कि स्टेयरिंग मेरा कितना सॉफ्ट हो गया, अरे यार बैटरी, और उतने में ही मेरे को पता लग गया मेरा स्टेयरिंग कितना स्मूथ हो गया है यार, पहले सोचा था कितना हार्ड हो गया स्टेयरिंग मेरा, तो बहुत ही मक्खन स्मूथ हो गया यार, ऐसा लग रहा है फिर से नए टायर लगवा के नई गाड़ी लेके जा रहा हूँ, बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क कह सकते हैं ना मेरे स्टेयरिंग में वो आ रहा है, अब ये प्रॉपर हवा की वजह से तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि यार मैं इसमें हवा प्रॉपर रखता हूँ, मतलब वीक में एक बार ही तो डलवा ही देता हूँ, जो भी प्रिस्क्राइब लेवल होते हैं उस प्रिस्क्राइब लेवल पे डलवा ही देता हूँ हवा में हफ्ते में एक बार ही, क्योंकि पेट्रोल जब डलता है हफ्ते में एक बार ही डलता है, मेरी इतनी कम चलती है ज़्यादा चलती नहीं है, तो AF बहुत ही स्मूथ, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, वसूल वसूल पैसे वसूल।